मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस। वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द टर्म क्लाइमेट। एक्चुअली क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी ऑल्सो have studied about the factors which affect the climate of any particular place, and those factors are distance from the equator, altitude, distance from the sea, direction of the winds. Until now we have studied about distance from the equator, and today in distance about equator, on the basis of distance from the equator, Earth is divided into three temperature zones, which were tropical zone, and here climate is generally hot, and second one is temperate zones, and here climate is moderate. Moderate means neither too cool nor too hot. And third one is frigid zone, where there is extremely cold, and these zones are covered with permanent ice sheets. Now we have to read about the second factor, that is altitude. Altitude, height above the sea level. वी नो डैट द माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेन्स। जैसा कि हम लोग को पता है, पहाड़ जो है ठंड रहता है किसके कंपेरिजन में, प्लेन्स के कंपेरिजन में, क्योंकि एज वी गो हायर एंड हायर इन माउंटेन, क्लाइमेट बिकम्स कूलर एंड दिस हैपन बिकॉज as we go higher the air becomes thinner, that is it becomes thinner, और जैसे जैसे माउंटेंस पे हम ऊँचाई पे जाते हैं तो पहाड़ पे क्या होता है, वहाँ का जो जलवायु होता है ठंडा होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊँचाई पे जाते हैं माउंटेन पे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा का डेंसिटी घटना स्टार्ट होता है, और हम लोग को जैसा जानते हैं जब हवा का डेंसिटी कम होगा तो वो क्या हीट भी कम एब्जर्ब करेगा सनलाइट से। इसीलिए मैसूरी है जो कि ठंड रहता है, किसके मुलाम दिल्ली से ज़्यादा ठंड मैसूरी में रहता है, क्योंकि मैसूरी एक्चुअली है माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे से माउंटेन एरिया में है। अब सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, ये भी मायने रखता है किसी भी जगह का क्लाइमेट के। द प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर। और वैसा जगह जो समुद्र के किनारे है वहाँ कैसा क्लाइमेट रहता, ना तो ज़्यादा गर्मी में गर्म रहेगा ना तो ज़्यादा ठंड में ठंड पड़ेगा, मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट। दे हैव मोर और लेस यूकेबल और मॉडरेट क्लाइमेट, और वहाँ पे कैसा, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंड रहेगा। बट द फ्लाइसेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, लेकिन जो समुद्र से दूर है, द एरिया विच इज सिचुएटेड फ्रॉम द सी एट ए डिस्टेंस, देर इज अ एक्सट्रीम क्लाइमेट, मीन्स इन समर देर इज टू हॉट एंड इन विंटर देर इज टू कोल्ड। जो समुद्र से दूर होता है क्षेत्र, वो समर में गर्मी के दिन में जो काफ़ी गर्मी पड़ता है, और ठंड का दिन में काफ़ी ठंड भी पड़ता है। इन समर लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, इन विंटर इट्स कूल्स अप फास्टर देन द। गर्मी में जो लैंड होता है, प्लेन होता है, जो समतल होता है, वो जल्दी हीट होना स्टार्ट हो जाता है किसके मुकाबले,
समुद्र के मुकाबले में, और ठंड में पहले कूल होना स्टार्ट हो जाता है समुद्र के मुकाबले, तो इसीलिए तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म रहता है समर में और ना ही ज़्यादा ठंड रहता है विंटर के दिनों में। लेकिन वैसे जगह जैसे नदन प्लेन्स हो गया भारत का, क्या होता है समर में ज़्यादा गर्म पड़ता है और ठंड में ज़्यादा विंटर पड़ता है। इसीलिए थैंक यू, दिस इज एनफ फॉर टुडे। आज हम लोगों ने दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, एल्टीट्यूड हाइट ऑफ द सी लेवल जिसे हम बोलते हैं, माउंटेंस पे क्या होता है ज़्यादा ठंड होता है इन कंपेरिजन ऑफ प्लेन एरिया, इसीलिए जो माउंटेंस पे जैसे मशहूरी है जो कि माउंटेंस पे है, थोड़ा माउंटेंस एरिया में है इसीलिए वो क्या है कूलर है दैन दिल्ली है। और हम लोगों ने दूसरा फैक्टर जाना डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और इसमें हमने एक भी जाना कि जो तिरुवनंतपुरम है यहाँ पे क्या होता ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्म पड़ती है ना तो ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ता है, क्योंकि ये क्या है समुद्र के किनारे है, इसीलिए ऐसा ये दोनों फैक्टर जाना आज के दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय।